हेलो व्यूअर्स, आई एम दीप्ति। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, नेम्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। आई विल डिराइव इट्स फॉर्मुला एज वेल एज सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। So in this way, we can also say that sum total of potential energy and kinetic energy is equal to the mechanical energy if the system is totally conserved. It means if there is no frictional forces all around, then the sum of potential energy and kinetic energy remains constant throughout the system. So today we are going to derive the formula related with this, that total mechanical energy is equal to the sum of potential energy and kinetic energy at all the different points at A, B and C. So first of all, starting with a body of mass m, it is freely falling from a height, you can see total height is h, and then it has covered some distance x and reached at this point B. Now we will derive again at B point that total mechanical energy remains same, and then after covering total distance h from this point A, it reached to ground at point C, and we will see the mechanical energy will again remain conserved. So starting with point A, so at position A, सबसे पहले में हमारे पास क्या होगा, बॉडी ऊपर से नीचे फ्रीली फॉल कर रही है, जिस बॉडी का मास जो है वो हमने m लिया है और हाइट जो है वो उसकी टोटल हाइट जो है वो हम h से नीचे की तरफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो पोजीशन a पे उसके पास पूरी हाइट है, इट मींस इस पॉइंट पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, वी नो डेट इट इज इक्वल टू mgh, तो mgh पूरी है। काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अभी वो फ्रीली फॉल करना स्टार्ट कर रही है, और कोई भी बॉडी जब ऊपर से भी नीचे स्टार्ट करेगी तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास अभी नहीं है, पोजीशन ए पॉइंट पे यहां पर नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। इट मींस टोटल मैकेनिकल एनर्जी पूरे सिस्टम में क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी है, mgh है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इट मींस यहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास mgh आ जाएगी। अब इसके बाद बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, यहां से आप देख रहे हैं ए से नीचे गिनना स्टार्ट करेगी, एक्स डिस्टेंस कवर करेगी और बी पॉइंट पे पहुंच जाएगी, इस पॉइंट बी पे पहुंच जाएगी। तो एट पोजीशन बी, अब पोजीशन बी पर हमारे पास क्या है, पोजीशन बी पर ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस कवर करने के बाद नीचे आया है, इट मींस डिस्टेंस कवर्ड जिसको हम एस से दिखाते हैं, या हम एम जी एच के फॉर्मूले में अगर हम करेंगे तो यहां पर जो डिस्टेंस कवर हमारे पास आ रहा है, हम डिस्टेंस कवर्ड ही लिखते हैं, डिस्टेंस कवर हमारे पास इसके केस में एक्स मीटर हो जाएगा। तो एक्स डिस्टेंस कवर करने के बाद नीचे आया है, तो अब आपके पास फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस तो सबने किया हुआ है। अब v स्क्वायर तो v1 स्क्वायर बन जाएगा सपोज कर लेते हैं, और u यहां पर अभी हमारे पास जीरो हो जाएगा क्योंकि बॉडी नीचे गिरने लगी है, तो u इनिशियल वेलोसिटीज की जीरो है, तो जीरो स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू टू। ए जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो a यहां पर हम g के इक्वल ले लेंगे, और डिस्टेंस कितना कवर किया है, x के इक्वल कवर किया है। तो इस केस में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो v1 की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है हमारे पास, 2gx is the value of V1. 2 get cancelled and we will get value as 2 as mgx only. अब mgx क्या है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। इसी पॉइंट पे पोजीशन बी पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, m है, g है, हाइट है। अब हाइट यहां पर है कितनी, आप खुद देखिए b पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट है तो उसकी हाइट ग्राउंड से कितनी है, ग्राउंड से कितनी है, ऊपर से x डिस्टेंस कवर किया तो ग्राउंड से हाइट कितनी हो जाएगी, h माइनस x। तो यहां पर हम उसकी जगह पे फिल क्या करेंगे, h की जगह पे h माइनस x, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगा mgh एंड माइनस एम जी एक्स। इट मीन्स अगर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आने वाली है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाया हमने कैलकुलेशन के बाद, एम जी एच माइनस एम जी एक्स, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास अभी क्या आई है, एम जी एक्स। तो एक्स और एक्स वाला प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, टोटल हमारे पास फिर से वैल्यू आ जाएगी एम जी एच, तो पोजिशन बी पर भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एम जी एच। Now we are coming to last point, यानी कि ground point आ जाएगा हमारा position C. At position C हमारे पास कितनी value आने वाली है, position C पे अब आप खुद देखिए C point पे नीचे पहुंच गया है, नीचे जब ground को touch कर रहा है इसका मतलब उसके पास height तो है ही नहीं है, it means potential energy यहाँ पर हमारी zero है। तो position C पे हमारे पास
पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ही नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ फिर हमें यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। इसी से हम क्या निकालेंगे, वी हमारे पास कितना हो जाएगा इसमें, वी स्क्वायर, यू फिर से जीरो है और ये ए टू तो टू ही रहेगा, ए और एस है, ए की वैल्यू जी बन जाएगी और एस की वैल्यू, अब कितना डिस्टेंस कवर किया, इनिशियल पोजिशन हमने ए ली थी, ए से इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया नीचे आने के लिए, तो यहाँ डिस्टेंस ही पूरा एच कवर करा उसने, यानी कि टू जी एच यहाँ पर हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहीं से अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन वी की जगह पे हमने वैल्यू क्या फिल करनी है, टू जी एच, तो टू जी एच जब हम फिल करेंगे तो टू और टू कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा, एम जी एच। तो लास्ट में फिर हम अल्टीमेटली किस पॉइंट पे पहुंच गए कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास कितनी है, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम। तो अभी हमने क्या देखा था, पोटेंशियल इस पॉइंट पे जीरो है और काइनेटिक अभी हमने डिराइव किया है एम जी एच है, यानी टोटल आंसर फिर से हमारे पास एम जी एच आया। तो क्या क्लियर करना चाहते हैं हम कि ऑब्जेक्ट अगर किसी भी पोजिशन पे है, ए पोजिशन पे है, तब भी हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू एम जी एच आ रही है। अगर हम बी पोजीशन पे हैं तब भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी एम जी एच आ रही है, और सी पॉइंट पे हैं तब भी एम जी एच आ रही है। वो अलग बात है कि हाइट की वजह से यहाँ पर पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी है, ग्राउंड पर पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी है, और इन बिटवीन हम कोई भी पॉइंट लेंगे, वो एग्जैक्टली मिडल जरूरी नहीं है, लेकिन इन बिटवीन कोई भी पॉइंट होगा तो वहां दोनों काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होंगी उस ऑब्जेक्ट के पास, और फिर अगर हम उनको कैलकुलेट करेंगे तब भी आंसर हमारे पास एम जी एच ही आएगा। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। So we have discussed the case when a body is falling freely and we have seen the mechanical energy is same at all the instant. But we discussed the opposite case then a body is vertically thrown upward. जब हमने नीचे से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को फेंका है तो इट मीन्स उस बॉडी के पास इनिशियल कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। तो इस सिस्टम में अगर हम यहाँ से सी से ए की तरफ ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं तो सी यानी ग्राउंड लेवल पे उसके पास सारे की सारी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी क्योंकि हमने उसको दी है, और धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन आंसर हमारे पास फिर भी हर पोजिशन पे एम जी एच ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम एम जी एच के इक्वली दोनों काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हर जगह देखेंगे। इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ग्राफ होता है जहां पर हम एक्स एक्सिस पे हाइट अबव द ग्राउंड लेते हैं और एनर्जी हमारे पास वाई एक्सिस पे रहती है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं कि डाउनवर्ड आ रहा है या अपवर्ड जा रहा है तो हमारे पास यही ग्राफ हम दोनों तरह के लिए यूज कर सकते हैं। ये हाइट है जो अबव द ग्राउंड है, अगर कोई ऑब्जेक्ट की हाइट अबव द ग्राउंड बढ़ रही है यानी कि ऑब्जेक्ट को मैं नीचे से फेंक रही हूँ और वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारे पास हाइट इंक्रीज हो रही है। हमने यहाँ पर मिडिल पॉइंट मान लिया कि एच बाई टू हाइट है यहाँ, यानी कि एग्जैक्टली मिडवे पे वो ऑब्जेक्ट पहुंच गया है, तो इट मीन्स उसकी ये चीज जो है हाइट अबव द ग्राउंड बढ़ रही है, इट मीन्स ये लाइन जो आएगी हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी की आएगी। तो यहाँ हमने ये मेंशन करना है कि ये लाइन जो है हमें क्या दिखा रही है, ये पोटेंशियल एनर्जी दिखा रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ऐसा एक क्वेश्चन स्पेसिमेन पेपर में या किसी में आया भी था, सेम इसी थीम पे बेस्ड था कि आपने ये लाइन शो करनी है कि क्या चीज है ये। तो ये लाइन पोटेंशियल एनर्जी डिपिक्ट कर रही है क्योंकि यहां से हाइट हमारी इस तरफ अबव द ग्राउंड इंक्रीज हो रही है, तो हाइट के साथ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और साइमल्टेनियसली पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी हमारी डिक्रीज हो रही है। तो यहां आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी टोटल पूरी एम जी एच है, लेकिन उसके बाद ये डिक्रीज हो जाएगी, तो ये लाइन जो हमारे पास आएगी ये काइनेटिक एनर्जी की लाइन आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी इस तरफ जो है वो डिक्रीज हो रही है, जितने अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी उतने ही अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ताकि टोटल सा हमारा जो कंजर्वेशन, हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी हमने अभी देखा है, टोटल सा हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, वो हर पॉइंट पे हमारा सेम ही आएगा और उसकी वैल्यू एम जी एच ही रहेगी। अब इस पर रिलेटेड अगर हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो इस तरह से न्यूमेरिकल आ सकता है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है तो उसकी वेलोसिटी कितनी, हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद कितनी वेलोसिटी होगी उसके पास, कितनी अचीव हो जाएगी। तो सिंपल सी ट्रिक होती है, आप इसमें हाफ एम वी स्क्वायर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और उस काइनेटिक एनर्जी को ही तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, तो उसको हम एम जी एच के इक्वल रख देंगे। तो एम जी एच तो हमारा मास तो उस ऑब्जेक्ट का सेम ही रह रहा है, तो इट मीन्स हम यहाँ से उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये टू हमारा ट्रांसपोज होकर उधर चला जाएगा तो टू जी एच, यानी कि वी इज इक्वल टू हमारे पास अंडर रूट टू जी एच इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हमने एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी के साथ अगर ऊपर से नीचे फेंका है तो उसकी वेलोसिटी इतनी आ जाएगी, अगर नीचे से ऊपर फेंका है तो वेलोसिटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच लेकर यहां से हाइट निकाल सकते हैं,
कि कितनी हाइट तक वो ऑब्जेक्ट जो है वो जा पाएगा इतनी दी हुई वेलोसिटी के साथ से। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है कि आपको क्वेश्चन में अगर m तो दोनों में कॉमन दिया हुआ है, m तो इधर भी होगा और इधर भी होगा, अगर क्वेश्चन में v गिवन है तो आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में h गिवन है तो आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में किसी भी पॉइंट पे वो पूछेगा ए पे बी पे सी पे, तो आपने आंसर क्या लिखना है, जो काइनेटिक एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी है। अगर वी दिया हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी पूछी है तो भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर ही लगा देंगे हम, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे। और अगर हमें एच दिया हुआ है तो हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे एमजीएच का फॉर्मूला लगा के और उसको काइनेटिक एनर्जी के इक्वल पुट कर देंगे। तो इसमें बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और ऐसा एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा, हो सकता है डेरिवेशन भी आ जाए, तो हमें दोनों तरह से प्रिपेयर करना है। अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो फॉर्मूला तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है बट हम हाफ एम वी स्क्वायर को ही एमजीएच के इक्वल रख देते हैं, तो दोनों तरह से हम इसको कैलकुलेट इजिली कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हमारा पेंडुलम बेस्ड आ जाता है कि पेंडुलम में हमने क्या किया हुआ है कि ऊपर से एक रिजिड सपोर्ट के साथ हमने पेंडुलम को हैंग किया हुआ है, तो ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है ए पे मान लेते हैं, अभी पहले पेंडुलम है तो पेंडुलम की हमने ये ले लिया ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन को हम इसके अंदर मीन पोजीशन कहते हैं, तो मीन पोजीशन ये है। लेकिन पेंडुलम को अगर हम चाहते हैं कि मूव करे तो हमें उसे कोई ना कोई हाइट देनी पड़ेगी, तो यहां से जितना भी इसका लेवल है इतनी इसकी हाइट आ जाएगी, ये चीज जो है वो एच आएगी। तो अगर एच हाइट लेकर के हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, बी और सी दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है, तो अगर मैंने पेंडुलम को लिया और मैं उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गई, एक्सट्रीम पोजीशन से मैंने उसको रिलीज किया, तो एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज किया यानी इसके पास कुछ ना कुछ हाइट है और हाइट की वजह से यहां पर इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच कंप्लीट है, तो इट मींस इस बी पॉइंट पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी है जिसको अगर हम रिलीज करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो यहां ए पॉइंट पे पहुंचेगा, अपनी मेन पोजीशन पे पहुंचेगा। यहां पर इस पॉइंट पे आने के बाद इसके पास सारी की सारी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, तो इस पॉइंट पे है काइनेटिक एनर्जी लेकिन उसका आंसर भी एमजीएच ही होगा, तो ए पॉइंट पे यानी कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी एमजीएच के इक्वल हो जाएगी। उसके बाद वो रुकेगा नहीं, वो आगे जाएगा दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन सी को पकड़ेगा, सी पॉइंट पे आते ही उसके पास दोबारा यहां से हाइट एच गेन हो जाएगी, हाइट एच गेन होने के बाद वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आएगा, जब नीचे की तरफ आएगा तो फिर दोबारा मीन पोजिशन पे आएगा और फिर दोबारा एक्सट्रीम पोजिशन पे जाएगा। तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्या हो सकता है कि अगर एक्सट्रीम पोजिशन पे है तो यहां कौन सी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी हो जाएगी एक्सट्रीम पोजिशन पे, सारी की सारी एनर्जी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ही है क्योंकि हाइट की वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जब मीन पोजीशन पे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, फॉर्मूला उसका भी एमजीएच ही होगा, और फिर इधर एक्सट्रीम पोजीशन सी पे जब पहुंचेगा फिर हाइट है तो हाइट की वजह से फिर से पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो इट मीन्स अगर पूछा जाए कि बी पॉइंट पे कौन सी एनर्जी है तो पोटेंशियल है, काइनेटिक जीरो है, एक्सट्रीम पॉइंट यानी कि सी पे भी काइनेटिक जीरो है, काइनेटिक कहां पर है, सारी की सारी सिर्फ यहां पर हमारे पास मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी एमजीएच के इक्वल आ जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे जीरो है, इन दोनों पे पोटेंशियल है और काइनेटिक जीरो है, तो इस तरह से आपने इसका क्वेश्चन करना है। अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करने की आएगी तो वी का फॉर्मूला हम अंडर रूट टू जी एच ही लेंगे, यही हमारे पास इसका मेन फॉर्मूला है जो इस इन तरह के न्यूमेरिकल्स में हमने यूज करना है, बाकी काइनेटिक और पोटेंशियल का तो आपको आता ही है। अब इस टॉपिक को और क्लियर करने के लिए हम एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द फिगर शोज अ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास 200 ग्राम। तो मास 200 ग्राम दिया गया है तो 200 ग्राम हमारा ऐसा यूनिट नहीं है, तो पहला ही स्टेप ये होना चाहिए कि 200 डिवाइडेड बाय 1000 यानी हम इसको यहीं से केजी में कन्वर्ट कर देंगे। आप चाहें तो आप 0.2 केजी डायरेक्टली लगा दीजिए, 2/10 भी लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मीन पोजिशन एक्स, ये मीन पोजिशन आ गई, मीन पोजिशन एक्स से हम इसको डिस्प्लेस करने के लिए लेके जा रहे हैं। x टू द एक्सट्रीम पोजिशन y हम यहाँ पर लेकर गए हैं, द पोटेंशियल एनर्जी एट द पोजिशन x इज जीरो, आपको पता ही है इस पॉइंट पे सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे हमारे पास जीरो होती है, x इज जीरो। एट द पोजिशन y द पेंडुलम बॉब इज रेज्ड, कितना है यहाँ पर हाइट हमें 5 मीटर की दी गई है, यानी h जो है वो हमारे पास 5 मीटर है। अब फर्स्ट पार्ट यहाँ पर आता है हमारे पास, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट द पोजिशन y, y हमारे पास ये एक्सट्रीम पोजिशन है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वी ऑल नो,
एम जी एच, बट एम को कन्वर्ट करना है तो 0.2 हमारा एसआई यूनिट ही है। जी हमें क्वेश्चन में दिया गया है, जी हमें क्वेश्चन में 10 दिया गया, अगर नहीं दिया होगा तो हमें 9.8 लेना है, अगर दिया है तो हम 10 लेंगे ही। और h हमने हाइट भी हमारे पास 5 आई हुई है, तो अब आप इसको यहीं से ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है, 5 × 2 10 आ जाएगा। और एनर्जी का हमेशा ही ऐसा यूनिट हमने जूल ही लेना है, तो 10 जूल हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। सेकंड है, व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट एक्स, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी अभी हमने कैलकुलेट किया, टोटल मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होगा। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट जेड पूछिए, जेड मीन्स हमारा ये मिडवे है, तो मिडवे मीन्स हमारे पास दोनों एनर्जीज होंगी, पोटेंशियल भी होगी काइनेटिक भी होगी, लेकिन उनका टोटल सम कितना होगा 10 जूल। यहां पर अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हमें देना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया गया है देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, हमारी अजम्पशंस ये साथ में चल रही हैं, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, सिस्टम इज टोटली कंजर्व्ड, तो उस केस में हमारी वही टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी 10 जूल के लिए, हम थोड़ा सा रीजन दे देंगे। फिर थर्ड पार्ट आ रहा है हमारे पास, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉब एट द पोजिशन ए वेन रिलीज फ्रॉम जेड, जब जेड से छोड़ा तो ये इसकी पोजिशन ए बन रही है, यहां पर इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी यानी स्पीड कितनी आ जाएगी, तो स्पीड के लिए अभी हमने कैलकुलेट किया था हाफ एम वी स्क्वायर, और एमजीएच को इक्वल करके भी आप कर सकते हैं, आप चाहे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh लगा सकते हैं, आप चाहो तो पूरा फॉर्मूला में फिल करके mm कैंसिल करके तब भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, बेटर है कि आप v का डायरेक्ट फॉर्मूला ही पुट कर लें। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने अंडर रूट नहीं लगाया, हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 आ गया, जी की वैल्यू 10 दी गई है, हाइट हमें 5 टोटल दी गई है, हमने वही लेनी है, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा 100, वी स्क्वायर की वैल्यू 100 का मतलब वी का आंसर कितना हो गया 10। अब वी का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, आप मीटर पर सेकेंड नहीं लिखेंगे तब भी नंबर कटेंगे, वेलोसिटी पूछी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पर हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें सी पॉइंट पे वेलोसिटी लेनी है। अब ये क्वेश्चन मैंने लिया है आपका एक बुक है एडुकार्ट के नाम से, आईसीएससी क्लास 10 के लिए ही है ये बुक, स्पेशली डिजाइन की गई है, फिजिक्स के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज इसके अंदर क्वेश्चन बैंक पूरे दिए गए हैं, पिछले 10 ईयर के सॉल्व पेपर्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे, थ्योरी को इन्होंने काफी सिंप्लीफाइड करके दिया है, रिलेटेड एग्जाम्पल्स हर एक के साथ दी गई हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स साथ में कॉशन करके दिया गया कि जो बच्चा कुछ क्वेश्चंस कुछ पॉइंट्स भूल जाता है, आईसीएससी के लिए क्या सजेशन स्टूडेंट्स के लिए होने चाहिए वो भी इसके अंदर दिया गया है, प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, दीक्षा प्लेटफॉर्म के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और बहुत सारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल रही है। जैसे अब मैंने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया इसके लिए व्हाट एग्जामिनर सेज ये पॉइंट दिया गया है, यानी कि कॉमन एग्जामिनर जब आपका पेपर आईसीएससी में बोर्ड में चेक करता है तो वो आपके लिए क्या बातें कहना चाहता है, आप मीन से आप एक जनरल स्टूडेंट है तो एक जनरल स्टूडेंट क्या गलती कर सकता है वो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली डिपिक्ट किया है। पहला पॉइंट दिया गया है सेवरल कैंडिडेट डिड नॉट कन्वर्ट मास इंटू जी टू केजी, मतलब ग्राम से केजी में कन्वर्ट नहीं किया, हेंस द आंसर वॉज इनकरेक्ट। अब आपने यहाँ इस पहले स्टेप को देखिए, अगर आप तो पहले स्टेप में अगर आपने यहाँ ग्राम को केजी में कन्वर्ट नहीं किया तो केजी हमारा ऐसा यूनिट है, अगर आप ऐसा यूनिट में नहीं करोगे आपको यहाँ पर कोई नंबर नहीं मिलेगा, इस पार्ट का एक नंबर आपका पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसी को यूज करके तो आप नेक्स्ट पार्ट करने वाले हो, तो उसका नंबर गया आपका, हेंस आंसर वॉज इनकरेक्ट, ये एग्जामिनर ने लिखे है। तो अगर आप ऐसे पॉइंट्स पढ़ते जाओगे तो आप 100% पेपर में ये गलती नहीं करोगे, हालांकि अपनी वीडियोस में मैंने ये बात बहुत बार हर बार टिप्स एंड ट्रिक्स की जो फिजिक्स की वीडियो थी उसमें भी कही है, जितने भी न्यूमेरिकल्स की वीडियोस में ऐसा यूनिट्स पे फोकस रखना है आपने। Many candidate did not realize the principle of conservation of energy involved in this process. Some got this incorrect because of errors made in first part. Exactly. अगर आपने first part ही गलत कर दिया तो आप m की value को mgh में गलत put करोगे तो आपका answer यहाँ पर ठीक कैसे आएगा? आपका zeros गलत हो जाएंगी. Many candidate simply wrote total mechanical energy कि potential energy plus kinetic energy आ रहा है, लेकिन exact value 10 joule के equal है ये नहीं लिखा. अब न्यूमेरिकल का आंसर तो वैल्यूज जब गिवन है नंबर्स में तो न्यूमेरिकल का आंसर नंबर्स में ही होना चाहिए था, तो एग्जैक्ट वैल्यू ना लिखने पर आपका सेकंड पार्ट का नंबर भी कट जाएगा, स्टेप वाइज चेकिंग होनी है, 1-1-1 मार्क मिलना है आपको इसके अंदर। थर्ड में मेनी कैंडिडेट्स रोट द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इंस्टेड ऑफ राइटिंग द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, अब बताइए ऐसा यूनिट्स तो हमारे को बहुत अच्छे से सिखाए जाते हैं, वेलोसिटी का यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम यहाँ एक्सीलरेशन का यूनिट क्यों फिल करेंगे। A large number of candidates could not apply the principle of conservation of mechanical energy and thus could not arrive at the correct answer. Some wrote V square is equal to 10 meter per second.
यहाँ पर आंसर वी स्क्वायर में 10 लिख दिया, जबकि वी स्क्वायर तो पहले 100 है ना। इन दिस सब पार्ट में कुछ स्टूडेंट के इसमें फायदा भी हुआ होगा। कैंडिडेट डिड नॉट कन्वर्ट मास इनटू द एसआई यूनिट, जो हमने यहाँ गलती करी थी मास की, वो थर्ड पार्ट में फिलअप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम MGH इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर लिखेंगे तो LHS और RHS में से मास कैंसिल हो जाएगा, तो वहां पर आपका जो यहाँ एसआई यूनिट नहीं था वो वाली चीज ठीक हो गई। तो एग्जामिनर ने इतना भी समझाया इसके अंदर, डिड नॉट कन्वर्ट मास इनटू द एसआई यूनिट, हाउएवर इन द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जब हमने हाफ एम वी स्क्वायर MGH के इक्वल किया तो मास कैंसिल हो गया और करेक्ट मिल गया वेलोसिटी का आंसर, क्योंकि आपकी एरर जो थी वो नलीफाइड हो गई। तो इस तरह से क्वेश्चंस देकर के इस बुक के अंदर दिया गया है। कॉम्पिटेंसी के लिए अच्छे क्वेश्चंस हैं, असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ट्रिकी MCQs इसके अंदर है, दीक्षा प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आप न्यूमेरिकल्स में भी क्वेश्चन के अंदर अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, हर तरह के मार्क्स से जो हमारा पेपर का पैटर्न है उसको पूरी तरह से बनाया गया, और केस बेस्ड क्वेश्चन भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस थीम फ्रॉम एग्जामिनेशन ईयर 2008, अ स्टोन ऑफ मास 64 ग्राम, सो मास इज गिवन 64 ग्राम। और अब आपको पता है ग्राम को हमने पहले क्या करना है, पहले ही स्टेप में केजी में कन्वर्ट कर देना है। आप चाहे तो उसको फ्रैक्शन में ही छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, नीचे से ऊपर फेंका गया है विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो यू ले लें या वी ले लें, स्पीड हमें 20 मीटर पर सेकेंड की दी गई है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्राउंड लेवल इज कंसिडर्ड टू बी जीरो, ऑब्वियसली अगर नीचे से ऊपर फेंका गया तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हमारी जीरो ही कंसिडर होगी। अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, और जी हमें यहाँ पर फिर से दिया ही गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको पता है वी दिया हुआ है, निकालनी पोटेंशियल एनर्जी, तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गिवन एट द ग्राउंड लेवल, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखा जाए तो हम पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला डायरेक्टली पुट कर रहे हैं, तो हाफ है, एम हमें दिया है 64/1000, हम अपने आप ले लेंगे, वी स्क्वायर, वी कितना है 20 × 20, तो कैंसिल कर देते हैं 0 2, देन अगेन देन 2, इसको मल्टीप्लाई कर ले ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, 4 × 2 = 8, 128, और डिवाइड बाय 10 है तो 12.8, तो 12.8 आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी है तो जूल में होगा, तो 12.8 जूल हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी टोटल आ गई। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में यूजिंग द सेम प्रिंसिपल स्टेट व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट इट्स हाफ वे पॉइंट, तो हाफ वे पॉइंट पे कितनी हो जाएगी एनर्जी, हाफ वे पॉइंट पे एनर्जी कितनी है, उस समय एनर्जी कितनी है, बहुत सिंपल है ना, हम एनर्जी को हाफ कर देंगे, हाफ एनर्जी हाफ वे पॉइंट मतलब हाफ एनर्जी है ना, हाफ कर देंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे। हाफ वे पे भी उसके पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, हमने क्या कैलकुलेट किया था बी पॉइंट पे, हाफ पे भी MGH ही रहेगा, तो यहाँ पर भी हमारा MGH ही रहेगा, या जो भी हमको काइनेटिक एनर्जी दी गई है वही रहेगी, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी वही है, काइनेटिक एनर्जी भी वही है, तो टोटल आंसर हम यही लिखेंगे, चाहे वो हाफ वे पॉइंट है तब भी वो 12.8 जूल एनर्जी ही है। अब मैं इतने सिंपल ढंग से कह दूंगी तो आप कहोगे कैसे आ गया, कैसे आ गया, कैलकुलेट कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं, हाफ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि उसे हाफ वे बोला है, और हाफ ही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया, वही काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। अब मैं हाफ करके दिखा देती हूँ, हाफ कर दिया हमने 12.8 ले लिया, प्लस हाफ कर दिया पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी, मान लो हमने ये नहीं लेना, पोटेंशियल एनर्जी दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के लिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, वी स्क्वायर का फॉर्मूला इज इक्वल टू 2GH, यानी कि यहां से मैं अगर H निकालती हूं तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2H हो जाएगा H की वैल्यू, वी कितनी है हमारे पास 20 × 20, और 2 नीचे आ गया और जी की वैल्यू भी 10 है, यानी कि 20 कैंसिल हो गया, यानी कि 20 हमारे पास एच आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी का एग्जैक्ट फॉर्मूला तो पता ही है हमें, MGH होता है, एम कितना है हमारे पास 64/1000, जी कितना है 10, और एच कितना भी हमने निकाला 20, कैलकुलेट करिए इसको, दोनों जीरोस कैंसिल हो गई, और फिर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ इतना कितना हुआ 6.4, इसको भी कैलकुलेट करेंगे 6.4 का हाफ कितना हो जाएगा, पहले इसको डबल करेंगे क्योंकि 2 है, या फिर 2 दोनों कैंसिल कर देते हैं, ये 6.4 दोबारा आ गया, यानी कि फिर से 12.8 जूल ही आ गया। यानी मैंने आपको ये कैलकुलेट करके दिखाया, आपने पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना, अगर उसने पूछा है कि सिर्फ बतानी है कि कितनी,
नहीं है। अगर वो कहते हैं शो करो, तब आपने पूरा शो करना है, अदरवाइज शो करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लिखिए हाफ वे पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी फुल ही होगी, MGH होगी, यानी कि 12.8 जूल होगी। ये बोर्ड का पेपर का 2008 का ही क्वेश्चन मैंने आपको आपका डाउट क्लियर करने के लिए इस ढंग से समझाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम, तो मास इज गिवन एज 50 ग्राम, बट हमने पहली गलती नहीं करनी है, हमने यहाँ पर चाहे 5/100 kg लिख देना है, चाहे डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है, पर करना है। बॉल ऑफ मास 50 ग्राम फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 2 मीटर, ऊपर 2 मीटर की हाइट से वो बॉल नीचे गिर रही है। हाइट टोटल हमें कितनी दी गई है, 2 मीटर, नीचे आ रही है 2 मीटर की हाइट से, एंड रीबाउंड फ्रॉम द ग्राउंड टू, आने के बाद वापस ऊपर जा रही है, आने के बाद वापस जब ऊपर जा रही है रीबाउंड करके, तो उस समय हाइट कितनी कवर कर रही है, H2 मान लेते हैं उसको, तो 1.6 मीटर तक वो वापस रीबाउंड हो रही है, आने के बाद रीबाउंड हो रही है, वापस जा रही है, तो इसको H1 और इसको H2 हम ज़ूम कर लेते हैं। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट पार्ट, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉल व्हेन इनिशियली एट रेस्ट, तो पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉल व्हेन इनिशियली एट रेस्ट, रेस्ट भी उसका कहाँ हो रहा है, 2 मीटर की हाइट पे बॉल रेस्ट कर रही है, यानी हाइट है ना उसके पास, तो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी उसके पास उस हाइट पे है, यानी फॉर्मूला क्या लगेगा, MGH। अब M हमारे पास कितना है, 5/100 है, जी क्वेश्चन में 10 दिया गया, अगर नहीं दिया होगा तो हमें 9.8 लेना है, अभी दिया गया है, और H यहाँ पर हम H1 वाला ले रहे हैं, तो इट मीन्स हमें 2 लेना है, तो अब 2 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 10 कैंसिल, तो 1 या 1.0 जूल आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल आ जाएगा व्हेन द बॉल इज एट द रेस्टिंग पोजिशन एट पॉइंट A, पर हाइट की वजह से उसके पास एनर्जी है। सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, काइनेटिक एनर्जी उसके पास कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड मतलब अभी पहली बार वो नीचे आ रही है, तो वो पूरी की पूरी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जितनी हमने 2 मीटर की हाइट से नीचे देके भेजी है, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी यानी कि 1 जूल है, जैसे अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में कैलकुलेट किया था, तो 1 जूल की पूरी है। आप चाहो तो पूरा लिखोगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉल इन पार्ट वन। थर्ड पार्ट में पूछा गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मीन्स एक बार मैंने बॉल को छोड़ा, एक बार वो नीचे आई रिबाउंड होके ऊपर गई, अब कितनी हाइट हुई है, तो अब कितनी रिबाउंड होके हाइट हुई है, 1.6 मीटर की हाइट तक गई है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में हमारा MGH H2 वाला हाइट लेंगे हम, तो M हमारे पास वही है 5/100, G 10 ही है, और हाइट की जगह पे हम यहाँ पर 1.6 ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 × 5 = 80 होता है, तो 80 के साथ 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 8.0 जूल हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, 8.0 भी नहीं, 1 0 और कम हो जाएगा, 0.8 जूल, यहां पर आपका कैलकुलेशन के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.8 जूल। अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ऑन कोलिजन, कोलिजन यानी टकराने के बाद कितना लॉस हुआ उसका, वापस वो कितनी हाइट तक, क्या वो पूरा 2 मीटर की हाइट तक चली गई, नहीं गई, वो 1.6 मीटर की हाइट तक गई है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी कि काइनेटिक एनर्जी अब हमारे पास लास्ट में कितनी है, वो पूरा लाइन लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी आई है अभी, 0.8 जूल आई है, यानी कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मींस हमारे पास इनिशियल कितनी काइनेटिक एनर्जी और फाइनल कितनी रह गई है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी थी, आप यहां पर लिखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1 है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0.8 है, तो आंसर आ जाएगा 0.2 जूल की एनर्जी जो है वो हमारी लॉस हो गई है, क्योंकि कोलिजन के बाद असली में तो कुछ ना कुछ एनर्जी हमारी वेस्ट होती है, हालांकि टोटल हम देखेंगे कि वहां पर वो सेम कंजर्व हो जाएगी। तो विद दिस आई कंक्लूड माई टूडेज वीडियो, आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशन ऑल्सो। Still you have any doubt in any of the derivation or numerical, you can ask me in the comment section. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. Thank you.